भारत देश में इतने मंदिर हैं कि सभी को देख पाना हर इंसान के लिए संभव नहीं है। धार्मिक प्रवृत्ति का हर व्यक्ति अपने जीवन में सभी मंदिरों में माथा टेकना चाहता है, लेकिन यदि हम आपको कहें कि एक ऐसा भी मंदिर है जहां बड़े से बड़ा आस्थावान व्यक्ति भी नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी उसे वहाँ जाना ही पड़ता है। जी हाँ, ये मंदिर है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित भरमौर नामक स्थान पर, जहां लोग बाहर से ही प्रणाम करके लौट आते हैं। इस मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती, क्योंकि मंदिर के अंदर प्रवेश करने का मतलब है मृत्यु को निमंत्रण देना। ये तो सभी जानते हैं कि जीवन के बाद मृत्यु तो आनी ही है और मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। जीवन है तो मृत्यु भी होगी ही, और मृत्यु के देवता हैं यमराज, जिनसे हर कोई डरता है। जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं वह धरती पर यमराज का एकमात्र मंदिर है, जिसे धर्मेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि मरने के बाद सबसे पहले आत्मा यहीं पर आती है, फिर चाहे मरने वाला व्यक्ति आस्तिक हो या नास्तिक हो, उसे इस मंदिर में आना ही पड़ता है। देखने में ये मंदिर आम घरों की तरह ही है। इस मंदिर में एक खाली कमरा है जिसे चित्रगुप्त का कमरा माना जाता है। चित्रगुप्त यमराज के सचिव हैं, जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मान्यता है कि जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है, तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले इस मंदिर में चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा देते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त के सामने के कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है। इस कमरे को यमराज की कचहरी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर यमराज कर्मों के अनुसार आत्मा को अपना फैसला सुनाते हैं। यह भी मान्यता है कि इस मंदिर में चार अदृश्य द्वार हैं, जो स्वर्ण, रजत, तांबा और लोहे के बने हुए हैं। यमराज का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को कर्मों के अनुसार इन्हीं द्वारों से स्वर्ग या नर्क लेके जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में चार दिशाओं में चार द्वार का उल्लेख किया गया है। मनुष्य को यमराज और चित्रगुप्त दोनों मिलकर उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। जिसने जैसे कर्म किए होंगे, उसे यहाँ पर वैसा ही फल मिलेगा। कहते हैं कि यमराज किसी को भी उसके कर्मों का फल देने में नरमी नहीं बरतते हैं। इसी मंदिर से ही जीवात्मा की स्वर्ग और नर्क की यात्रा शुरू होती है। स्वर्ग में जीवात्मा को कई प्रकार के सुख मिलते हैं, तो वहीं नर्क में कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।